2024 में डॉक्टर नवल किशोर शाह की नहीं, आप सब यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी से ये घोषणा कर दी है। मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग सांसद बनाओगे? जोर से बोलो, आप लोग सांसद बनाओगे? पक्का? जब आप लोग सांसद बना दोगे तो सांसद के रूप में तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह मुस्लिम भाई लाखों में होती है। 5 साल की तनख्वाह अगर जोड़ लो तो करोड़ों में हो जाएगी। तो जो करोड़ों की तनख्वाह होगी उस पर अधिकार मेरा नहीं होना चाहिए, उस पर अधिकार किसका होगा? आप सबका अधिकार होगा। मैंने अभी से घोषणा कर दी है कि डॉक्टर नवल किशोर जिस दिन संसद में पहुंचेगा और सांसद के रूप में जो तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह से सारे लोकसभा के तमाम ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, डॉक्टर नवल किशोर शाह उस तनख्वाह से पूरे लोकसभा के बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। आज तक के इतिहास में ऐसा किसी भी प्रतिनिधि ने इतना नहीं करा होगा। कराया मुस्लिम भाई, किसी ने कराया आज तक? डॉक्टर नवल किशोर ने अभी से घोषणा कर दिया। और इसके अलावा जो भी बच्चे और पढ़ना चाहेंगे, चाहे हमारी बहन और बेटियां पढ़ना चाहेंगे, डॉक्टर नवल किशोर उन सबको पढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमारे तरक्की के रास्ता खोलने का काम करेगी। भगवान बुद्ध ने भी शिक्षा के बारे में बात करी, माता सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के बारे में बात किया, ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा के बारे में बात किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा के बारे में बात किया, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने भी शिक्षा के बारे में बात किया। और खुशी इस बात की है कि शिक्षा के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इतना उत्तर प्रदेश में काम किया, छोटे छोटे बच्चों को साइकिलें मिला करती थी, जो बेटियां बड़ी हो जाती थी उनको कन्या विद्याधन मिला करता था, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर पास हो जाते थे उनको बेहतरीन एचपी का लैपटॉप और कंप्यूटर देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया।